हे गाइस, गुड मॉर्निंग। 20 अगस्त 2018 की द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कोर्स देखते हैं। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। जहां हो वहीं से शुरू करो, जो भी आपके पास है उसी का यूज करो, और जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो वो करो। देखिए, आज का द हिंदू विशेष है और द हिंदू की हर एक सेक्शंस को जो जो एग्जाम की पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्पोर्ट्स के सेक्शंस में। स्पोर्ट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एशियन गेम्स हैं और क्वेश्चंस स्टैटिक क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार, और शायद यूपीएससी में तो ना हो लेकिन दूसरे एग्जाम में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम देखेंगे स्पोर्ट्स में डेली 5-7 दिन जब भी एशियन गेम्स चलेगा। देखिए, सबसे पहले 18th एशियन गेम्स चल रहे हैं और एशियन गेम्स इस बार हो रहे हैं इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया के दो शहरों में मैं आपको बता दूँ। पहला शहर है जकार्ता और दूसरा है पेलम्बर्ग। और हम लोगों को समझना ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी में भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन हुआ था मैपिंग में। ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है और इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट में अगर आप देखेंगे तो सुमात्रा आइलैंड के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, ये पूरा सुमात्रा आइलैंड है। पूछा था क्वेश्चंस में कौन सा आइलैंड सबसे ज़्यादा क्लोज है, तो सुमात्रा आइलैंड ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पेलम्बर्ग की, तो यहाँ पर ये पेलम्बर्ग है, ठीक है। पेलम्बर्ग सिटी जहाँ पर ओलंपिक एशियन गेम्स का एक हाफ यहाँ होगा, और दूसरा जो है आप यहाँ पर कैपिटल देखेंगे इनकी जकार्ता, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि मैपिंग में ये जो अक्सर पूछ लेते हैं कि क्लोजेस्ट कौन सा है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे समांग, ये इंडोनेशिया का एक सिटी है, ये बहुत क्लोज पड़ती है इंडिया के, ठीक है। यानी मैपिंग परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर लास्ट में इंदिरा पॉइंट देख रहे होंगे जो कि इंडिया का सदरन पार्ट है, उसके बाद ये कैम्बेल बे एक, यानी मैप के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन अब बात करें स्पोर्ट्स में, तो कल हुआ क्या है। देखिए, बजरंग पुनिया ने पहला गोल्ड इंडिया को दिलाया था, ये गेम है हुआ और 65 kg की बाउट थी उनकी। खास बात ये है कि बजरंग पुनिया वही खिलाड़ी जो योगेश्वर दत्त के शिष्य माने जाते हैं, या फिर उनके एक तरीके से योगेश्वर दत्त को वो अपना गुरु मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पहले गोल्ड के साथ हमें एक ब्रॉन्ज भी मिला, वो मिला शूटिंग के मिक्स्ड में, और इनका नाम था रवि कुमार और अपरवी चंदेला, जो कि जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता 10 मीटर के उसमें। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें कबड्डी के बारे में बताया गया। कबड्डी देखिए, इसमें एशियन गेम्स में कबड्डी होती है, ओलंपिक में नहीं होती, और कबड्डी में इंडिया की एक डोमिनेंस रही है अभी तक। यानी इंडिया अभी तक दोनों गेम में, मेल और फीमेल दोनों में चैंपियन रहा है। और पहला मैच इंडिया का हुआ फीमेल का जापान के साथ, तो उन्होंने उनको हराया। इसके अलावा भारत ने मेल ने दो मैन कैटेगरी में दो मैच खेले थे, बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को हरा दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बजरंग पुनिया का एक अच्छा रिकॉर्ड रहा पिछले कुछ दिनों से। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड जीता। इसके अलावा उससे पहले तबिलिसी जॉर्जिया की जो कैपिटल है, ग्रैंड प्रिक्स में उन्होंने गोल्ड जीता था। इसके अलावा इंस्तानबुल में भी उन्होंने गोल्ड जीता था। और हालांकि एक थोड़ी सी निराश करने वाली न्यूज़ भी है कि सुशील कुमार जो है वो हार गए थे फर्स्ट राउंड में, मतलब इस अपने फर्स्ट बाउट में वो हार गए हैं। इसके अलावा देखिए, लगातार फ्लड्स की सिचुएशन जो केरला के अंदर बनी हुई है, आप देखेंगे यहाँ पर ये फ्लड इतनी भयानक है कि लगभग 7 लाख लोगों को 7 लाख लोगों को कैंप्स में भेजा गया है। इतनी बड़ी अमाउंट में जो डिस्प्लेस किए जा रहे हैं पर्सन, 7,24,649 जो लोग हैं वो इसमें कह सकते डिस्प्लेस किया गया, उनको रेस्क्यू किया गया, और 5,645 रिलीफ कैंप्स में उनको भेजा गया। तो बड़ी संख्या में एक तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, और ये माना जा रहा है कि ये केरला की अब तक की सबसे भयानक और सबसे भयंकर एक तरीके से फ्लड देखने को मिल रही है केरला के अंदर। देखिए, इसके अलावा इंडियन जो एयरफोर्स है उसने एक ऑपरेशन करुणा चलाया है। इसका इन्होंने जो ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन करुणा, और हेल्प करने के लिए बड़ी संख्या में इंडियन एयरफोर्स है, जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं, चाहे वो वायुसेना हो, नेवी हो, या फिर आर्मी हो, उन्होंने अपने अपने स्तर पर एक तरीके से सबसे व्यस्त और सबसे तेज गति से ऑपरेशन किया, रेस्क्यू ऑपरेशन। इस मामले में हम लोगों को सल्यूट करना चाहिए इन लोगों का,
इसके अलावा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। और एक तरीके से कह सकते हैं कि नॉर्मल होने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वाटर लेवल थोड़ा कम हो रहा, बारिश रुक चुकी है इस समय। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया की जो अलाइज है, जैसे यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है कि गल्फ कंट्रीज जो है वो सपोर्ट करने के लिए सामने आई हैं, चाहे वो यूएई हो। और देखिए केरला के बहुत से लोग जो हैं इन गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, खासकर नर्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं, या फिर मेडिसिन सेक्टर की अगर हम बात करें। इसके अलावा दूसरी गल्फ कंट्रीज जो हैं जैसे सऊदी अरबिया है, और दूसरे इसके अलावा ओमान है, या फिर दूसरे गल्फ रीजन, उन्होंने भी एक तरीके से मदद करने का भरोसा दिया। इसके अलावा कल ही हम देख रहे थे यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने भी कहा था कि हम लोग आपके सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इंडिया का ये माना जाता है कि इंडिया का जो डिजास्टर को मैनेजमेंट करने का तरीका है, डिजास्टर में जो रेस्क्यू का ऑपरेशन इंडिया में चलाया जाता है, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन ऑपरेशन में से एक है। और अगर हम डिजास्टर से बात करें एग्जाम के परस्पेक्टिव से, तो कई सारे फ्रेमवर्क हमें दिखाई देंगे, और इस समय ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क में अगर हम बात करें तो सेंडाई फ्रेमवर्क है। आप लोगों नीचे कमेंट करना कि सेंडाई फ्रेमवर्क कब हुआ था, और ये कौन से कंट्री के अंदर अभी इसमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशंस कहाँ पर है, वो आप लोग नीचे कमेंट करेंगे। देखिए ये यहाँ पर आर्टिकल आप देखेंगे, रियलिटी चेक साइमल्टेनियस पोल के बारे में बात हो रही है कि चुनाव जो होने चाहिए कि एक साथ चुनाव करवा दिए जाए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के, दोनों अपने अपने पक्ष और विपक्ष इसके साथ हैं। पक्ष में अगर दो तीन पॉइंट्स को अगर हम देखें, पक्ष में ये माना जाता है कि इसके तहत हम लोगों को काफ़ी पैसा हमारा बच जाएगा। दूसरी बात, एक तरीके से बार बार आचार संहिता जो लगता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। बड़ी संख्या में ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है तो जो इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आती है, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें वो लग जाएगा तो नई स्कीम नई पॉलिसीज नहीं बन सकती, ये इशू है। अगर इसके ओपोजिशंस में बात करें तो कई सारे इशू है। पहली बात तो सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ हो जाएंगी या एक राय होगी, ये बड़ा डिफिकल्ट है। अगर वो हो भी गई तो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और आधी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें आधी राज्य विधानसभाओं की का समर्थन भी चाहिए। रीज़न ये है कि आप यूनियन स्टेट के रिलेशनशिप को अफेक्ट करेंगे, इसके थ्रू प्रभावित करेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि संसद के अंदर संशोधन हो, विशेष बहुमत से संशोधन करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर बन भी गया, रूल्स बन जाता है कि एक साथ चुनाव करवा लेते हैं, ऐसी स्थिति में फॉर एग्जांपल मान लो लोकसभा में मेजोरिटी खो देती है एक पॉलिटिकल पार्टी, तो क्या सारी राज्य विधानसभा भंग कर दी जाएगी, या किसी राज्य की विधानसभा में मेजोरिटी खो दी जाए तो क्या पूरी लोकसभा पूरे राज्य भंग कर दिए जाएंगे, ये बड़े चैलेंज है। इसके अलावा फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है कि 5 साल तक रहेगी, वो उसके बारे में अभी भी डाउट रहेगा कि 5 साल से पहले हम अगर मेजोरिटी किसी के पास है तो उसको भंग कैसे कर सकते, डिसोल्व कैसे कर सकते, ये क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे सेंट्रल इशू और नॉन सेंट्रल जो रीजनल इशू अलग अलग होते हैं। सेंट्रल इशू या नेशनल इश्यूज में कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। आप इवन देखेंगे जब भी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होते हैं और उसके कुछ महीने बाद अगर हम देखेंगे राज्य विधानसभाओं के चुनाव जो होते हैं, वहां पर पॉलिटिकल पार्टियां चेंज हो जाती है, अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की चीज़ें भी। अभी इशू क्या है, इलेक्शन कमीशन को ने इस बारे में कहा कि अभी पॉसिबल नहीं है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जा सके। हाँ, ये इन फ्यूचर पॉसिबल हो सकता है। इन्होंने रीजन दिया कि इसके लिए हमें बड़ी संख्या में ईवीएम चाहिएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिएगी, इसके अलावा वीवीपैट चाहिए, क्योंकि देखो एक साथ चुनाव होंगे तो दो दो ईवीएम लगानी पड़ेगी, राज्य विधानसभाओं की अलग और लोकसभा की अलग। मतलब मशीन तो उतनी चाहिए, ऑफिसर कम हो सकते हैं, मशीन उतनी उसके डबल चाहिए, ठीक है। वीवीपैट मशीन भी चाहिए क्योंकि वीवीपैट को इंस्टॉल करना है हम लोगों को। इसके अलावा अभी मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव करवाने पड़ेंगे। कारण ये कि उनका कार्यकाल समाप्त होता हो रहा है, इसलिए 4 राज्यों के चुनाव यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे आप लोगों को। अगर 4 राज्यों के चुनाव एक साथ हो गए तो साइमल्टेनियस पोल्स का क्या मतलब रह जाएगा, ये भी एक सवाल है, ठीक है। हालांकि बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी वो कहती है कि इलेक्शंस होने चाहिए एक साथ, बाकी पार्टी अभी भी मतलब हाँ ना इस तरह की चीज़ों में चल रही है। तो एक अगर इस प्रकार का डिसीजन लिया जा रहा है तो बड़े ही एक तरीके से डिस्कशन करने की आवश्यकता होगी,
प्रोसेस जो होना चाहिए वो एक कंप्लीट वे में सॉल्यूशंस निकले, इस बारे में जरूर हम लोगों को सोचना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर कम होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो इन फ्यूचर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, डिसीजन लिया जा सकता है बट विद प्रीकॉशंस, है ना। आप लोगों नीचे एक चीज कमेंट करने कि इंडिया में समय 7 पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया गया है, 7वीं यानी लास्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन से जिनको ये दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए यहां पर इंडोनेशिया के चुनाव के बारे में बात हो रही है कि इंडोनेशिया में इन फ्यूचर चुनाव होने वाले, तो हम इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाले नहीं है। कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स के इश्यूज होते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडोनेशिया बस वही कंट्री है जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटीज़ है और एक पॉपुलेटेड कंट्री कह सकते हैं, ठीक है। इंडिया का रिलेशन जो है इंडोनेशिया के साथ बहुत अच्छा रहा, अभी तक कोई इशू इस प्रकार का नहीं हुआ है। इंडोनेशिया काफ़ी न्यूज़ में है अर्थक्वेक की वजह से, और ये एक ऐसी बेल्ट में आता है जहाँ पर अर्थक्वेक की या फिर जो जिसको सुनामी बोलते हैं उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो इस समय एशियन गेम चल रहे हैं, और एशियन गेम्स की वजह से हो सकता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चंस हो सिटीज़ पर, हो सकता है मैपिंग परस्पेक्टिव से पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कई बार ये सिटी पूछ लेते हैं कि नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू ईस्ट, इस प्रकार के सिटी को मैनेज करिए, इस प्रकार से क्वेश्चंस हो सकते हैं। आइलैंड के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर डिस्कशन किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत के थे और उनका अभी निधन हो गया था। हालांकि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में या उनकी पॉलिसीज क्या रही थी, पॉसिबल हो सकता क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जाए। यहाँ पर फोकस किया गया पाकिस्तान के संबंध में उनकी रिलेशनशिप, उनकी स्ट्रेटजी क्या रही थी, ठीक है। देखिए हमने पहले भी डिस्कशन किया कि जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे 1978 में, तब भी उनकी एक पॉलिसी रही थी और पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि हम अपनी पूर्व पॉलिसी को फॉलो करेंगे, यानी जब हमने शिमला एग्रीमेंट किया था 1971 के युद्ध के बाद वही पॉलिसी हम सेम फॉलो करेंगे। देखिए शिमला एग्रीमेंट 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ था 1972 में। इसके अलावा जो ताशकंद एग्रीमेंट है जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध हुआ था, वो वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी एक तरीके से भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगर हम बात करें भारत की, इसमें अगर मीटिंग की बात करें तो उनका एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पॉलिसी रही है, उनकी एक अलग स्ट्रेटजी रहती थी जब वो बिल्ड करते हैं, और बड़ी यूनिक पॉलिसी आप इन्होंने इस बारे में डिस्कशन किया गया है कि 1999 को 19 फरवरी 1999 को जब वो गए विदेश में और जमात उल दवा जो कि वहाँ का एक टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है एक तरीके से, उन्होंने धमकी दी कि अगर इंडिया का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में आता तो हम उसको मतलब जान से मार देंगे, इस प्रकार की धमकी दी गई। लेकिन उस समय उन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोग फ्लाइट से नहीं बस से जाएंगे, और ये जब डिसीजन लिया गया इतना बोल्ड डिसीजन था, इतना सिक्योरिटी बहुत कंसर्न होता है हमेशा ही किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी के लिए, हमारे यहाँ भी कोई आ जाए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें बड़ी चैलेंज की सिचुएशंस हुई और उन सबको हराते हुए वो पाकिस्तान गए, और एक बड़ा एक तरीके से वहाँ पर माइलस्टोन के रूप में देखने को मिला। हालांकि कुछ दिन बाद मतलब मई जून के आसपास ही कारगिल अटैक हुआ हमारे ऊपर और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, मिलिट्री रूल्स आ गए, मुशर्रफ वहाँ के एक तरीके से सरोसरोवा बन गए, और यही पाकिस्तान के लोकतंत्र अर्ध लोकतंत्र जो भी हम बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी विदाउट डेमोक्रेसी मिलिट्री, वो ऐसे घूमते रहते हैं, कितनी डेमोक्रेसी कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा आगरा में भी समिट हुई, लेकिन आगरा में जो समिट हुई थी परवेज मुशर्रफ और भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी। पॉलिसीज की बात होती क्योंकि थोड़ा ट्रस्ट कम हुआ, कई सारे अटैक भी हुए भारत पर, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उसमें भारत जो है साइक्लोन जैसी सिचुएशन को झेल रहा था। इसके अलावा एशियन ब्लूम्स जिसको एशियन इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा था, इन सारी चीज़ों के बावजूद, और उसके अलावा 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए थे, और बड़ी कंट्रीज ने उन सब के बावजूद, सबसे हैरान कर देने वाली बात है 8% की ग्रोथ रेट हासिल करना,
इन सब के बावजूद ये बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं उस समय करी गई, और उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सार्क के मामले में भी वहाँ पर काफ़ी सुधार हुआ था कि दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। देखिए सार्क की अगर हम बात करें, सार्क अब तक का शायद सबसे फेलियर ऑर्गेनाइजेशंस में से एक हुआ। कारण ये है कि सार्क के अंदर इस प्रकार का कोई चार्टर नहीं है कि आप रीजनल इश्यूज को नहीं उठा सकते, रीजनल मुद्दों को नहीं उठा सकते। जैसे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये लिखा गया है कि आप बायोलेटरल द्विपक्षीय संबंधों को इस मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय ऑर्गेनाइजेशन में नहीं उठा सकते, इस प्रकार की चीज़ें नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा हम देखें लोकसभा जो वहाँ पर मोस्टली प्राइम मिनिस्टर गए हैं वो बेसिकली गए हैं जिनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, जवाहरलाल नेहरू हो, राजीव गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, शास्त्री जी के पास ही मेजोरिटी थी, लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ जैसे वो ताशकंद से आ रहे थे उसी में उनका एक प्लान था कि वो वहाँ पर आएंगे। इसके बाद हालांकि जो अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे लीडर रहे जिनके पास कोएलिशन गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार थी, लेकिन फिर भी वो गए, ये एक बड़ा डिसीजन कह सकते हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में उनकी जो पॉलिसीज रही उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया गया है, और ये अपना पर्सनल इनपुट देते हैं कि मैंने क्या किया और मैं कहाँ कहाँ मिला अटल बिहारी वाजपेयी जी से। देखिए यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है आप देखेंगे एक क्रॉनिकल ऑफ कोलाबोरेशन, इसके अंदर बेसिकली डील क्या किया गया है, डिस्कस क्या किया है, उस चीज़ को हम सीधा टू द पॉइंट आते हैं। आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक इशू हुआ वहाँ पर, एक सिंगर है कोई, उन्होंने एक तरीके से क्रिश्चियन वे में कोई गाना कंसर्ट करने का एक प्लान था। हालांकि उनके बारे में एक तरीके से सोशल मीडिया में कैंपेन चला कि वो क्रिश्चियन की बजाय एक तरीके से कर्नाटिक म्यूजिक जो है ट्रेडिशन है उसको उसके अगेंस्ट वो कर रहे हैं, और जो रामा है उसकी बजाय वो जीसस को एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें लगी फॉल्स चीज़ है सही है, इस प्रकार के एक तरीके से एजेंडा वहाँ पर चलाया गया, एलिगेशंस वहाँ पर लगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब ये न्यूज़ फेक थी या इस प्रकार को प्रमोट किया गया लगातार, और इस प्रकार का कोई इंटेंशन उनका नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट या एक तरीके से जो कर्नाटिक म्यूजिक के कर्नाटिक संगीत के योद्धा रहे हों उनमें त्यागराज साहब का के बारे में डिस्कशन किया गया है, और त्यागराज जी 1767 यानी 1767 से लेकर 1847 तक उनका कार्यकाल रहा। कई बार ये पूछते हैं कि मैच इसके किसके समकालीन थे, त्यागराज पर हो सकता है, अलग अलग ये हिस्ट्री में पूछा जाता है कि किसके समकालीन थे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है उस समय कौन राजा था या किसकी एक तरीके से लीडरशिप थी इंडिया के अंदर, वो ज़रूर हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। देखिए इसके अलावा इंडिया और भूटान के बारे में यहाँ पर चर्चा करी गई है, और ये काफ़ी सारे इश्यूज़ भारत और भूटान के बीच में है। सबसे बड़ा इश्यू जो इंडिया और भूटान के बीच में अगर हम बात करें तो वो सबसे बड़ा इश्यू है, ये एलिगेशन इंडिया पर लगता है कि भारत जो है वो इंडिया की सॉरी भूटान की पॉलिटिक्स में या भूटान में इंटरफेरेंस करता है। और अभी इसमें एक्चुअली इश्यू ये हुआ कि एक रोड बनाया जा रहा था वहाँ पर, और प्रोजेक्ट दंतक के साथ, और वहाँ पर इस प्रकार से एक शेड बने कि इंडियन ट्राई कलर यानी जो भारतीय झंडा होता है उस प्रकार के एक शेड वहाँ पर दिखाई दी, तो लोगों ने एलिगेशंस लगाए कि ये कहीं ना कहीं भूटान की जो इंटरनल चीज़ें हैं उनमें भारत का हस्तक्षेप है, इस प्रकार के एलिगेशन वहाँ पर लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर चुनाव भी होने हैं, इन सारी चीज़ें हैं। हालांकि भारत पर लगातार इस प्रकार के एलिगेशन लगते हैं, और भूटान कोई पहली कंट्री नहीं है जो इस प्रकार के एलिगेशन लगाए। आप देखेंगे पाकिस्तान वाले भी भारत पर एलिगेशन लगाते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया इंटरफेरेंस करता है। इसके अलावा आप नेपाल में जब चुनाव हुए तो भारत पर एलिगेशन लगा, श्रीलंका में जब चुनाव हो रहे थे महिंदा राजपक्षे बोल रहे थे कि भारत ने एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट किया है, बांग्लादेश में इसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट का हमारे ऊपर लगता है। तो अगर देखिए अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं ये चीज़ें अगर दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है तो इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। इसके अलावा रही बात भूटान की, तो भूटान में हम लोग क्यों इंटरफेरेंस करेंगे, इंडिया की एक पॉलिसी रही है कि हमारे लिए सभी इक्वल हैं और ज़रूरत भी नहीं है इंडिया को इंटरफेरेंस करने की। भूटान को जितनी भारत की ज़रूरत है, भारत को हालांकि ज़रूरत है भूटान की, लेकिन भूटान को भारत से ज़्यादा ज़रूरत है, इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और देखिए इस प्रकार की चीज़ें होने से
मान लो आप पॉलिटिकल ही राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप या एलिगेशन लगाते हैं तो इंडिया की इमेज पर फर्क पड़ता है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई इश्यूज हैं तो आप डिस्कशन करिए हमारे प्राइम मिनिस्टर से या फिर प्रेसिडेंट से या फिर एम्बेसी से, फॉरेन मिनिस्टर से, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऐसे पब्लिकली एलिगेशन लगाने से गलत मैसेज जाता है सोसाइटी के बीच में भी और वर्ल्ड वाइड भी, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम भूटान की बात करें, भूटान में डोकलाम एक जगह है, उसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी, लेकिन एक और प्रोस्पेक्टिव में अगर हम देखें भूटान में, तो इंडिया की कौन कौन सी स्टेट जो है भूटान को टच करती है, ये भी एक सवाल हो सकता है इन फ्यूचर पूछे या पहले पूछे या बाद में पूछे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को दिखाई दे सकता है। तो आप लोगों नीचे कमेंट करना है कौन कौन से राज्य जो भूटान को टच करते हैं। आप लोग आप ये मैप देख के भी बता सकते हैं और अपनी जो आपके पास एटलस होगी उसमें भी देखकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए नाबार्ड की एक रिपोर्ट आती है और नाबार्ड की रिपोर्ट ये बताते हैं कि हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा जो फार्म हाउस होल्ड हैं वो एक तरीके से कर्ज में डूब चुके हैं। और इन राज्यों में अगर हम बात करें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये राज्य टॉप स्टेट्स में से आ रहे हैं। ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे हुआ 2016-17 और इसमें लगभग 188,000 लोगों का एक सैंपल लिया गया, जिसमें 40,327 रूरल हाउस होल्ड के बारे में चर्चा करी गई। अलग अलग डाटा को याद रखना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों को देखनी है वो ये कि इसमें जो डूबे, उसमें जो कर्ज में डूबे हुए की संख्या देखिए, 79% तेलंगाना, 77% आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए और सोर्स के बारे में बताया गया कि मोस्टली जो 40% सोर्स इनका देखने को मिलता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब होता है कि एक तो हम बैंक से पैसा ले और एक पैसा हम ले किस चीज़ से, रिलेटिव से ले लिया, फ्रेंड से ले लिया, मनी लेंडर्स जो होते हैं उनसे ले लिया या लैंडलॉर्ड से ले लिए, इस प्रकार से पैसा हम देख सकते हैं लेते हैं जब, तो वो सारी चीज़ इसके अंदर आती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें इंसिडेंट्स ऑफ इनडेबिटनेस एज पर द सर्वे इज 52.5%, एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड जो है 52.5% जो होंगे एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है, और दूसरे जो नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है वो 42.8% जो है रूरल एरिया में लोन लिया जिन्होंने। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई कि एक तरीके से कर्ज जो है वो बढ़ रहा है। और अभी भी यहाँ पर दो मैसेज है, रूरल हाउस होल्ड के अंदर अभी भी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या ऐसे वित्तीय संसाधन जिस जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि कमर्शियल टाइप में नहीं है, जैसे बैंक होती है, कोई संस्था होती है, बल्कि रिलेटिव से ले लेना या फिर फ्रेंड से या जो महाजन होते हैं गांव में उनसे ले लेना, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा हम देखें साउथ इंडिया के स्टेट या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स को इंक्लूड, यहाँ पर ज़्यादा हम लोगों को कर्ज भी देखने को मिलता है, ये एक और चैलेंज होगा कंट्री के लिए। हम लोग चलते हैं वर्ल्ड वाले पेज पर और वर्ल्ड वाले पेज में काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों को दिखाई देगी मैपिंग के परस्पेक्टिव से भी और जनरली अंडरस्टैंड करने के लिए भी। रशिया और जर्मनी के बीच में एक गैस पाइपलाइन के बारे में एक तरीके से डिस्कशन हो रहा है। ये वही गैस पाइपलाइन है जिसको यूएसए अपोज करता है, यूएसए कहता है कि आप तो भाई जर्मनी के हाथों पिक गए, इस तरह की चीज़ें होती है। नाटो में भी इसका इश्यू उठा था। और इसके अलावा दोनों जो मिलते हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और एंजेला मार्केल जो कि वहाँ की चांसलर है, इन्होंने डिस्कशन किया इसके बारे में और यूक्रेन और सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कशन किया। मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए बाल्टिक सी और ये जर्मनी, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से टच करता है रशिया, इसके अलावा ये वाला जगह जो है ये भी रशिया के अंडर में आती है, ठीक है। बाल्टिक सी काफ़ी न्यूज़ में है, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये सारी कंट्री जो हैं इसको टच करती है बाल्टिक सी को। इसके अलावा यहाँ पर गल्फ ऑफ बोथानिया भी। तो देखो जब भी इस प्रकार की कंट्री न्यूज़ में आती है या इस प्रकार के जो इश्यूज न्यूज़ में आते हैं उसमें मैपिंग जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे और जितनी मैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट को समझना आसान हो जाएगा और इमेजिन करना भी आसान हो जाएगा हमारे लिए।
इसके अलावा छोटी छोटी न्यूज है यहाँ पर, जैसे महिंदा राजपक्षे जो है ये कह रहे हैं कि भाई श्रीलंका के ये पूर्व प्रेसिडेंट है कि वहाँ पर अभी 2 साल का कार्यकाल का प्रतिबंध होता है जैसे यूएसए में होता है, तो ये बोल रहे हैं कि 2 साल नहीं, 2 प्लान नहीं बल्कि हमें और प्लान दिए जाने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम 3 प्लान तक बन सके इस प्रकार का प्रोविजन करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अशरफ गनी जो कि कह सकते हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि ये सबसे फेलियर प्रेसिडेंट में से एक होने वाले हैं। रीजन ये है कि हमेशा ये बोलते हैं कि तालिबान आओ हमारे पास बात करो, एक तरफ हम देख रहे हैं तालिबान की प्रेजेंस जो है काबुल तक बढ़ती जा रही है और ये कहते हैं कि हमसे बात करो, इस प्रकार के ये वीक बताते हैं कि हम इनको ज़्यादा ज़रूरत है बात करने की, इसीलिए वहाँ पर लगातार इन दिनों में तालिबान की प्रेजेंस तेज़ी से बढ़ी है। इसके अलावा इमरान खान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली और वो अपना काम उन्होंने शुरू करा। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा इकोनॉमिक परस्पेक्टिव में पाकिस्तान को अपनी कंट्री को लीड करना, फॉरेन रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना और जो एक चाइना की प्रेजेंस जो है उसको एक तरीके से तिलस्सिम बढ़ता जा रहा है उसको तोड़ने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। बिजनेस सेक्शन और अंतिम पेज में हम लोग अभी जाएंगे। देखिए पहली बात यहाँ पर इंडिया की जो फिस्कल एक तरीके से ग्रोथ रेट हो सकती है 7.5% के आसपास हो सकती है, तमाम तरह के सर्वे अलग अलग राय हो सकती है और ये बताया है जो इस समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अरविंद वीरमानी। देखिए अरविंद सुब्रमण्यम गए, अरविंद वीरमानी इस समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आ गए, 7.5% की ग्रोथ रेट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, उसकी वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, लास्ट है कि जो मूडीज है एक रेटिंग एजेंसी है वो ये बोल रही है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2.5% तक हो सकता है जीडीपी का और रुपए की जो वैल्यू कम हुई है उससे असर पड़ेगा इंडिया की जो ऑयल प्राइसेस है, हाई ऑयल प्राइसेस हम लोगों को मिलेगा और ये चैलेंज हो सकता है कंट्री के लिव इन परस्पेक्टिव में। तो ये सारे चीज़ें जो थी आज के द हिंदू के एनालिसिस में थी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।